हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विज्ञान साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम लोग मेडिकल के सभी अपडेट के बारे में बात करते हैं, साथ ही में एजुकेशन अपडेट को भी कवर करते हैं। तो यहाँ पे मैं अन अकेडमी पे फिजिक्स के लेक्चर ले रहा हूँ, तो आप सीईटी के लिए, जेई के लिए, कोई भी एंट्रेंस के लिए आप यहाँ पे आके फिजिक्स पढ़ सकते हैं। साथ ही में प्राइजेस जो है अन अकेडमी पे राइज होने वाला है, आपको कोड यूज़ करना है omkar_96 और आप जो है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 10% आपको एडिशनली डिस्काउंट मिल जाएगा। आप प्राइजेस देख सकते हो, 2,000, 5,000 से इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मिशन नीट UG 2023, तो यहाँ पे हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं बच्चों को, टिल 5 करोड़ तक का स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है रिवाइज फॉर द नीट UG, आपको लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चन एंड आंसर और ऑल इंडिया रैंक, ये सब कुछ मिल जाएगा, वो भी फ्री में। तो आपको ज़रूर आके यहाँ पे कॉम्पैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर देना है। टाइम कब रहता है? नेक्स्ट संडे 27th of March, यानी कि कल 11 बजे। 28 क्वेश्चन रहेंगे, 45 मिनट रहेगा। तो बहुत सारे यहाँ पे एक्साइटिंग प्राइजेस आप लोग जीत सकते हो। साथ ही में अनअकैडमी पे आस्क डाउट, ये भी नया फीचर आया है, तो अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप पोस्ट कर सकते हो, सामने से जो आपको आंसर करने वाले हैं कॉल करके या फिर वीडियो सोल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है। तो आज का इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्टार्ट टू एंड पूरा देखिएगा, वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब भी जो भी बच्चे फार्मेसी के बारे में सोच रहे हैं, जिनको लगता है कि बी फार्मेसी या डी फार्मेसी करने के बाद तुरंत लाइसेंस मिल जाएगा, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपडेट है। राज्यात मेडिकल स्टोर टाकण्यासाठी 12वीनंतरचा MSBT चा डिप्लोमा इन फार्मसी अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्याला राज्य फार्मसी काउन्सिलिंग नोंदणी पत्र मिळते, ठीक है। तो पहले ऐसा था कि डिप्लोमा के बाद सीधा सीधा आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता था और आप जो है अपना मेडिकल शॉप डाल सकते थे, ओके। लेकिन अभी क्या चेंजेस होने वाला है, अभी आपका डिप्लोमा ख़त्म होने के साथ साथ एट द एंड ऑफ द ईयर डिप्लोमा आपको एक एग्जिट एग्ज़ाम देना है, डिप्लोमा इन फार्मेसी का एक एग्जिट एग्जामिनेशन। अब ये एग्जिट एग्जामिनेशन मतलब क्या रहेगा कि आपने जो कोर्स किया, जैसे एंट्री के लिए CET देते हो, वैसे एग्जिट मतलब आपने प्रॉपरली वो कोर्स कंप्लीट किया, उसका वो एग्जिट रहेगा, ओके। तो ये एग्जिट एग्ज़ाम कंपलसरी रहेगा। फार्मासिस्ट होण्यासाठी आता एग्जिट एग्ज़ाम ही परीक्षा उत्तीर्ण केल्याशिवाय नोंदणी क्रमांक मिळणार नाही। परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यासाठी प्रत्येक पेपरमध्ये 50% गुण मिळवावे लागतील। परीक्षा कितीही वेळा देता येईल, तो ये चार इम्पॉर्टंट चीज़ें हैं कि आपको मिनिमम 50% पासिंग रहेगा और आप एग्ज़ाम जो एग्जिट का कितने भी बार दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा पूरा डिटेल में वही चीज़ दिया है, अगेन डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम जो है आपको कंपलसरी देना है, अगर आपको मेडिकल शॉप ओपन करना है तो, ओके। तो यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी ये सर्कुलर रिलीज़ किया है, कुछ ही दिनों में जो अपना स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र बोर्ड वो भी ये रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे और एक चीज़ इम्पॉर्टंट है कि फार्मासिस्ट म्हणून काम करणाऱ्यांना अधिक कौशल्य आत्मसात करता येण्यासाठी अधिक औषधांबाबत माहिती व्हावी या उद्देशाने ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे। तो ये एग्ज़ाम क्यों लिया जाएगा? बहुत सारे फार्मासिस्ट ऐसे भी है जिनको एग्ज़ाम का, जिनको मेडिसिन का नाम नहीं पता, तो उनके लिए बहुत रिस्की होने वाला है। अगर वो ये जेन्युइनली 2 साल कंप्लीट करते हैं, डी फार्मेसी करते हैं, उसके बाद एग्जिट एग्ज़ाम सक्सेसफुली करते हैं, तो ही उनको लाइसेंस मिलेगा, ठीक है, ओके। तो अभी जो फार्मासिस्ट है उनका क्या हो जाएगा, क्या उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा? तो यहाँ पे लास्ट में देखो, सद्य अस्तित्वात असणाऱ्या फार्मासिस्टना ही परीक्षा देण्याची गरज नाही, तो अभी जो है उनको ज़रूरत नहीं है। पर एग्ज़ाम आपका कैसा रहेगा, यहाँ पे 3 पेपर रहेगा, 3 आवर्स का एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश में ही रहेगा। सब्जेक्ट कौन से 3 रहेंगे? वही जो आप फार्मेसी में पढ़ते हो वही सब्जेक्ट आपको रहेंगे। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो, अदरवाइज़ किसी का लाइसेंस रह सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे विज्ञान साइंस एकेडमी पेज को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप पर्सनली पूछ सकते हैं।